अब आपको इसमें गूगल क्रोम में आना है। क्रोम में आने के बाद आपको ऑटोडेस्क पे जाना है, स्टूडेंट लॉगिन पे। एक काम और आपको करना है, यहां पे अपने ईमेल को साइन इन कर लेना है। इन दोनों को साइन इन कर लेना है। देखिए ये साइन इन मैंने पहले से कर रखा हुआ है, समझाने के तौर पे मैंने ये आईडी रखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, यहां पे आना है, साइन इन पे क्लिक करिए, साइन इन करिए। यहां पर डालिए नेक्स्ट करिए। अब देखिए यहां पे ये अकाउंट पे अभी ऑटोडेस्क बना नहीं है, तो अब आपको यहां पे ऑटोडेस्क को क्रिएट करना होगा, उसके साइड पे ये मेन। तो आप यहां पे जो है क्रिएट पे जाएंगे, फर्स्ट नेम आप डाल दें, लास्ट नेम डाल दें, ईमेल कंफर्म ईमेल, देखिए ये सभी उस तरीके से होने चाहिए। जैसे जैसे आप लेते जाएंगे उस तरीके से ये चेक मार्क लगाते जाएगा। देखिए जैसे अभी क्या है, ठीक ये हो गए हमारे। अब हमको एक लेटर भी डालना है, कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरीके से हट जाएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, इसको डन कर देना हमें। अब यहां पे हम साइन इन हो चुके होंगे, यहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, यहां पे लिखेगा बलवंत, और आपको यहां पे एक इनबॉक्स में आए, रिफ्रेश करिएगा तो देखिए यहाँ पे एक वेरीफाई के लिए भी आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। आप यहाँ से भी अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से वेरीफाई डन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके लैपटॉप का ऑटो सिंक ऑन रहेगा तो अपने आप ये क्या करेगा, ले लेगा और ये साइन इन यहाँ से हट करके दूसरा आपको थंबनेल की तरह दिखेगा जो भी इस पे यहाँ पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे का जो हमारा प्रोसीजर है। अब हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, यहाँ पे सर्च करेंगे, हमें चाहिए क्या, ऑटो कैड, ठीक, एंटर कर दीजिए। देखिए इस तरीके का आपको दिखाएगा, आपका जिस तरीके का लैपटॉप होगा या मैकबुक होगा, विंडो होगा, तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा। आप फिलहाल स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट एजुकेटर वाले पे करिएगा यहाँ पे क्लिक, और फ्री सॉफ्टवेयर पे आइएगा, यहाँ पे ऑटो कैड पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको साइन इन करवा देगा वो, ठीक, यहां से है साइन इन, ये अपने आप ले लेगा, कंप्लीट कह रहा है प्रोफाइल करने के लिए। पहले आप कंप्लीट करिएगा आप अपने प्रोफाइल को,
पूछेगा आपसे इस तरीके से, कंट्री क्या है, इंडिया डाल दीजिएगा। स्टूडेंट हैं आप, आप देखिए जो भी रहेगा, अगर आपको फ्री में चाहिए तो आपको स्टूडेंट ही चूज करना है। इंडस्ट्री पूछ रहा है, हाई स्कूल मत डालिएगा नहीं तो आपको कम मिलेगा, आप यूनिवर्सिटी डालिएगा, इससे आपको 4 ईयर का मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे वो डाल दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जनवरी 1 और ये डाल देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये पूछ रहा है किस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं, कोई भी डाल सकते हैं आप। जैसे आप लोगों को समझा रहा हूँ तो या तो ऐसा भी डाल सकता हूँ BIT देखिए इस तरीके से आप डालिए। अगर नहीं है तब भी चल जाएगा, कोई भी आप जैसे हैं आप यही चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्नाटक भी जो भी आप ले सकते हैं, आर्किटेक्चर एनरोल कर दीजिए, जून से करिएगा आप, कब कीजिएगा इसका, अभी कौन सा चला, अप्रैल मई, अप्रैल कर दीजिए, एनरोल करा लिए, ठीक है। मई से चालू होगा ईयर, ठीक है, अब यहाँ जोड़ लीजिए, 4 ईयर का हो गया, ओके कर दीजिए, कंटिन्यू करिए। ये कंप्लीट हो चुके हैं आपके, अब देखिए ये हट चुका है। अब जब आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे तो आपको 4 ईयर का मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर रिसीविंग 1 ईयर एजुकेशन लाइसेंस, लेकिन वो आपका 4 ईयर तक चलेगा ही चलेगा, ठीक। तो आपको वर्जन सेलेक्ट करना है, देखिए यहाँ पे वर्जन ये दिखा रहे हैं, इस तरीके के वर्जन आपको रहेंगे, यही वर्जन आपको सेलेक्ट करना है। ये आपको कंप्यूटर के अपने हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग करना है, जो भी जैसे आप चाहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं 18 ही ले लेता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो भाई आप अपने कंप्यूटर के यहाँ पे ऐसे जाइएगा, ठीक, माय कंप्यूटर के प्रॉपर्टी पे ऐसे क्लिक करिएगा, ये खुल के रख के आएगा आपके पास। और देखिए यहाँ पे आपका लिख रहा है सिस्टम टाइप, ये दिख रहा है ना सिस्टम टाइप, क्या लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट, ठीक, ये इस तरीके का दिया हुआ है। आप गूगल में आइए अपने, यहाँ पे सेलेक्ट करिए, 64 बिट ऐसे आ जाएगा। लैंग्वेज आपको इंग्लिश ही चाहिए, यहाँ पे देखिए जैसे ये करते जाएंगे चेक मार्क रहेगा। आप इस चीज़ का फोटो जरूर क्लिक करें, यही आपका लाइसेंस और प्रोडक्ट की है, ठीक, ये आपके लाइसेंस और प्रोडक्ट की है, इसी से आपको इंस्टॉल करना होगा, ठीक। और यहाँ से आने के बाद आपको डाउनलोड नाउ पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। तो जब आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपसे, ठीक है। फिलहाल अभी देखिए मैं नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, देखिए यहाँ पे डाउनलोड होने लगा। तो ये इसका एक सेटअप है, जब आप इस सेटअप को, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं, ये देखिए ये आ गया exe फाइल शो इन फोल्डर, यहाँ पे जाएंगे हम। और यहाँ से देखिए ये जब है ऐसे, आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, आपको ओपन नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक, तो आपका इस तरीके से आएगा और आपको यस कर देना है। यस करने से
इस तरीके से आपको इंस्टॉलेशन का जो काम है डायरेक्ट कनेक्ट लगेगा ने, और फाइल मैं काट दिया, फाइल को क्या करेगा डाउनलोड करने लगेगा आपका, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ये इस तरीके से बन रहा है। आपको करना क्या है कि नीचे ये जो आपका सर्च इंजन होता है वहाँ पे जाना है, विंडो, ठीक है, डिफेंडर होगा, विंडो डिफेंडर सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करिएगा। विंडो डिफेंडर सेटिंग में आना है आपको, और जो इसकी सिक्योरिटी है यहाँ पे आइए, वायरस वाले पे आइए, ऐसे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये खुल करके आएगा, फिर आपको जाना होगा कहाँ पे, यहाँ पे देखिए मैनेज सेटिंग पे, ठीक है ना। मैनेज सेटिंग पे आपको क्लिक करना, और ये रियल टाइम मेरा ऑन है, ये ऑन है तभी इस तरीके से हो गया। इस तरीके से आपके जो फाइल आएंगे नेट से, जो ऑटोडेस्क आ रहेगा वो करप्ट कर देगा, इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। ये ऑफ होगा तो इस तरीके से दिखाएगा, फिर कट करना है, ये भी कट करना है, रिफ्रेश करिए आप इसको, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं जब मैं ओपन करूँगा इस तरीके से, तो देखिए ये जो चीज़ें हैं ये हट जाएंगी, अगर उस वक्त नहीं किए रहेंगे तो आपका क्रैश कर जाएगा, क्लियर है। तो इस चीज़ का याद रखना है कि विंडो डिफेंडर हमें ऑफ करना है, और आप केवल ऑटो कैड ही नहीं, इवन जितने भी फ्री सॉफ्टवेयर में आपके आएंगे यानी एजुकेशनल पर्पज से जो आपको सीखने के काम आएंगे, पूरी तरीके से आपको इंस्टॉल मिलेगा, यानी आप इसमें से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आपको प्रोडक्ट की वही डालना होगा जिसका मैंने कहा था, फोटो आप क्लिक करें। अगर कोई आपके लैपटॉप में दिक्कत होगी या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कुछ अलग होगी तो प्रोडक्ट की आपका चेंज कर देगा, नहीं तो वही प्रोडक्ट की पे सारा ले लेगा। अगर नहीं शो करता है आपके डिस्प्ले पे, मतलब प्रोडक्ट की जैसे अभी आया था, अगर वो नहीं आता है तो ये जान लीजिएगा कि वही प्रोडक्ट की लेगा, और आता है तो समझ लीजिए कि ये दूसरा वाला लेगा, क्लियर है। इस तरीके से हम फ्री में सॉफ्टवेयर को पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखिए एप्लीकेशन है, कुछ लोगों को डाउट होता है कि कहते हैं कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये एक एप्लीकेशन है। एक्चुअली ये इसलिए कहता है ऑटोडेस्क वाला कि वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन इसके आइकन पे मिलते हैं, इसके वजह से ये जो कहता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एप्लीकेशन है। यहाँ से लास्ट में आप साइन आउट करना भूले ना, साइन आउट जरूर करें। तो आज के वीडियो में आपने सीख लिया कि किस तरीके से आप जो है इसको इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर पे ऑनलाइन, ठीक।